गए भाई चूट महंगा पड़ गया तो ये जरा थक गया तो ये ड्रामा करके ना ये बैठ गया। हमने इसकी दुम मोड़ दी, लड़कों ने दांत काट लिए दुम के ऊपर, लेकिन जो है ना ये खड़ा होके नहीं दे रहा। आज की वीडियो में जो है ना वो उनको कराची और मुल्तान के रेट्स का फर्क पता चलने वाला है। 84 का आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के एक इलाके के अंदर। मिनहाज भाई जो अर्रहमान कैटल फार्म के ओनर हैं, इनके एरिया में, इनके अपार्टमेंट्स में, तो इनका भी शौक दिखाएंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में, और जो इस अपार्टमेंट में और जानवर आए हैं वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। एक जानवर तो मिनहाज भाई आपने पाला है, पहले आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस थोड़े ही दिन रह गए बकरीद में, तो मैंने बोला यार आज थोड़ा निकलते हैं और जितने भी दोस्त यार हैं ना करीब करीब, तो उनका थोड़ा थोड़ा शौक दिखाते हैं कि थोड़ी मेमोरेबल वीडियोस थोड़ी बनाते हैं। सबसे पहले आपको पकड़ा है हमने, तो दो जानवर मैं देख रहा हूँ, इनमें से जरा बताएं कि कौन सा वाला पाला है और कौन सा वैसे खरीदा है। भाई जान, सीन ये है कि शहनशाह है हमारा बछड़ा जी, ये मैंने गाय बच्चा खरीदा था, बिल्कुल 15 दिन का बच्चा खरीदा था, और ये पाला है माशाल्लाह हमने अपनी दोस्त की कुर्बानी के लिए ना, माशाल्लाह आमिर भाई उनकी कुर्बानी के लिए बछड़ा पाला है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो काला वाला बछड़ा है ये मैंने अपने घर की कुर्बानी के लिए लिया है। ये वहीं पर ही पाला है मिनहाज भाई? सादकाबाद में। टोटली मेरे फार्म पे पाला है, 15 दिन का बच्चा लिया था मैंने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सादकाबाद से अब यहाँ आया? अब यहाँ पे मैंने उतारा, तकरीबन हफ्ता हुआ होगा हार्डली। सही है माशाल्लाह। ये उसकी बात हो रही है पीछे वाले की। तो भाई ये शहनशाह पाला है चश्मे में माशाल्लाह। तो ये बच्चा कितने का लिया था? और अभी मैंने गाय बच्चा लिया था 2.25 लाख का। 2.25 लाख का गाय के साथ बच्चा, गाय का बच्चा लिया था। तो पूरी गाय पिलाई इसको? हाँ पूरी गाय। मेरे पास ये है कि मैं बच्चे जो भी रहता हूँ पूरा पिलाता हूँ, बच्चे में अगर पोटेंशियल और हो ना, बच्चा अच्छा हो, तो उसको माशाल्लाह फिर मैं और भी दूध खरीद के देता हूँ माशाल्लाह। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छा दूध पिलाया, अच्छी मेहनत करी इस पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी आंडू है। ठीक है। और ये जो ब्लैक बीस्ट है, ब्लैक ब्यूटी जो है माशाल्लाह, ये तो ब्लैक मैंने जो लिया है मंडी से, ये घर के लिए लिया? घर के लिए लिया। ये कितने का लिया? ये मैंने लिया है 3,07,000 का। 3,07,000 रुपए। 307,000 माशाल्लाह। दांतों में? दांतों में चार। चार दांतों में, वाह भाई दांतों में चार। मिनहाज भाई का शिकार माशाल्लाह। अच्छा मुल्तान मंडी से लिए भाई? तो मैं बोल रहा हूँ ये 3,07,000 का कराची में तो पॉसिबल नहीं है कि इन रेटों में मिल जाए। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बड़ा शाइनी बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले इनको खोल के दिखाते हैं, फिर पीछे जो छोटे जानवर बंदे हैं वो भी देखेंगे और उनके भी रेट्स वेट्स मालूम करेंगे। अच्छा मिनहाज भाई, मुझे ये पता लगा कि जो है ना वो आपने यहाँ पर भी कुछ जानवर उतारे हैं नॉर्दर्न बाईपास मंडी पे भी। मेरे पास तकरीबन अभी 3 माल है। अच्छा। हाँ, एक बछड़ा है, बड़ा हीरा बछड़ा है, और एक शहजादी बछड़ी है, दूसरा एक फुल रेड बछड़ा है। ये 3 माल में उतारा है। अच्छा। फुल ब्राउन बछड़ा है? फुल ब्राउन है। लाल नुकरे में या नॉर्मल लाल बछड़ा? हीरा बछड़ा है। उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, कुछ बताएं थोड़ी डिटेल। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में बछड़ा है माशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल ही हटके प्रिंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हल्के मेल में क्रॉस में बच्चा, बहुत हाइट वाला बछड़ा है, दोनों से भारी हाइट में बड़ा अच्छा बछड़ा है। हाँ। मेरे हाइट में यहाँ पे आता है, आपने लाइव भी एक दफा देखा है शायद। बिल्कुल। तो बछड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत हैवी है, दांतों में 6 है, और उसकी डिमांड है 13 लाख। वो इंशाल्लाह ताला बछड़ा मंडी में खड़ा हुआ है। क्या वजन का होगा? वजन में बछड़ा मीट वेट में नहीं तो इंशाल्लाह ताला 12.5 मंथ प्लस होगा मीट वेट। 12.5 मंथ प्लस होगा मीट वेट में। अच्छा, जो आप बता रहे हैं ये डिमांडिंग प्राइस बता रहे हैं, कमी बेची कर लूंगा थोड़ी, कर लेंगे इंशाल्लाह। नंबर आपका मैं चला दूं? नंबर सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो शहजादी जो बछड़ी है अपनी? शहजादी। हाँ माशाल्लाह। तो उसका क्या सीन है? शहजादी भी दांतों में 6 है और माशाल्लाह गुलाबी नाक में अबलग प्रिंट में है, पटेली प्रिंट में कह लें। हाँ, चश्मा प्रिंट। और बछड़ी जो है अभी दांतों में 6 है, मीट वेट में नहीं तो बछड़ी होगी इंशाल्लाह 9 मंथ प्लस कंफर्म, 9 मंथ प्लस बछड़ी है कंफर्म। सही है। तो क्या उसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? उसकी डिमांड 11 कर रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह कमी बेशी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तीनों जानवर अपना वहाँ से सादकाबाद से पल कर आए, पूरा फार्म पे पले? जी। वैक्सीनेशन वगैरह सब हुई हुई है, मेरे पास हर माल की वैक्सीनेशन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अल्लाह का बड़ा फजल करम रहा कि मैंने जब लंपी आई थी ना, तो तब भी मैंने काफी अरसे पहले अपने वैक्सीनेशन करवा ली थी, मेरे किसी जानवर को लंपी नहीं हुआ था मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। चले तो फिर आप एक काम करें, इसको जरा खोलें, अभी आप टहला रहे थे इसको, शहनशाह को भी, इसको भी खोल लें, इसको भी टहलाएं, एक साथ ही टहलाते हैं दोनों को। बड़े मजे से ब्लैक वाला तो बड़े मजे से चल रहा था भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चला शहनशाह को भी लो भाई, फोकस में शहनशाह को लो।
माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लैक वाले का नाम नहीं रखा? ब्लैक बीस्ट नाम है इसका। ब्लैक बीस्ट नाम, ये तो मैंने बोला है बीस्ट को, तो आपने बोल दिया हमने रख लिया, यही रखा था मैंने। अच्छा यही रखा था, यही रखा था। क्या बात है, क्या बात। चलाओ ना थोड़ा सा बाहर, जगह है निकालने की, चले उस तरफ निकालते हैं। आ जाए आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि ये तो आपने मंडी से लिया है, लेकिन काफी शरीफ बछड़ा है, देख के लग रहा है कि ये भी कोई है ना। माशाल्लाह काफी शरीफ बछड़ा है। माशाल्लाह वो वाला भी दिखाओ मुबीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए क्या बात है, क्या बात है। तो यानी इसकी तो कुर्बानी आपके सामने ही होगी, जो आपने हाथों से पाला हुआ है। हाँ हाँ, ये अभी इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में उनके पास जाएगा। अच्छा, मैं जब भी वहाँ से जान रहा होता हूँ, दर्शक होते लंबे सफर पे आते हैं ना, हाँ। तो कराची वालों को इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह जानवर को हैंडल करना है। सही है। तो अभी जानवर 7-8 दिन 5 दिन अपने पास रख के सेट करके फिर मैं भिजवाता हूँ, फिर चला। सही है सही है। माशाल्लाह ये है मिनाज भाई के घर की कुर्बानी वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलाए चलाए चलाए, वो भी आ रहा है, उसको दिखाओ। माशाल्लाह। आने दो भाई, आने दो आने दो, ले आओ शहनशाह को लेकर आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बछड़े की एक मेमोरी मैं बताता चलूँ, हम लोगों ने इसका शूट किया था सादकाबाद में खेत में, तो हमने थोड़ा बहुत ना इसको शहनशाह को भगाया, तो ये ज़रा थक गया, तो ये ड्रामा करके ना ये बैठ गया, मतलब खेत में ना बीच में बैठ गया और ना खड़ा ही नहीं हो रहा। इतना डर लगा मुझे भी, मिनाज भाई को भी। आधा पौना घंटा लग गया, हमने इसकी दुम मोड़ दी, लड़कों ने दांत काट लिए दुम के ऊपर, लेकिन जो है ना ये खड़ा होके नहीं दे रहा। हमें लगा कि पता नहीं हार्ट अटैक भी हो जाता है। मुज़म्मिल भाई तो फुल डर गए थे, हमें पता था कि इंशाल्लाह इतना नहीं होना है, लड़के भी कोई मसला नहीं है। मुज़म्मिल भाई फुल डर गए थे, मुझे लगने लगा गए भाई, गए भाई, शूट महंगा पड़ गया, तो कहीं इसको हार्ट अटैक तो, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रेस में आके जानवरों को हो भी जाता है भाई, डर जाता है, बगार होते हैं, रोफरे होते हैं। लेकिन वो असल में ड्रामा कर रहा था, गर्मी पंजाब में गर्मी बहुत ज्यादा है, वो इतनी तेज गर्मी नहीं थी। हाँ, हमने शूट कब किया था, शायद फेब में किया था, नवंबर नहीं, हाँ फेब में, फेब में, दूसरा फेब में किया था ना, ऐसे ही था। तो भाई काफी काफी जो है ना ये ड्रामेबाज बछड़ा है भाई, माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए। चले आए और जानवर भी देखते हैं अब साथ साथ, जरा चलाना शुरू करो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लग रहा है दोनों की जोड़ी है, हालांकि दोनों की कोई जोड़ी उड़ी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बड़े मजे से दोनों चलते हैं। अब मिनाज भाई से पूछते हैं और जो जानवर खड़े हुए हैं उनमें से इनको किस किस के रेट वेट मालूम है, ये जो मंडी से लोग खरीद के लाए। माशाल्लाह। वैसे ये भी एक अच्छा है अपार्टमेंट में सीन के, सारे एक साथ ही खड़े हुए ना, तो जानवर वो रहते हैं, पहले पहले सुकून में रहते हैं। हुआ ये था, दो ये जानवर बछड़ियाँ आई थी, हाँ। हमेशा हर साल एक महीना पहले मैं जानवर उतार देता हूँ। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा मसरूफ था तो मैंने थोड़ा लेट उतारा है। सही है। एक महीने पहले मैं उतार देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब मिनाज भाई बाकी जो जानवर है ना उनके भी जरा, हाँ एक यहाँ भी बड़ा खूबसूरत बछड़ा खड़ा हुआ है, पहले वो भी देख लेते हैं। जी जी, ये बताएं भाई। ये हमने मंडी से खरीदा था, मंडी से खरीदा था, सुल्तान मंडी से। सही है। 84 का, 84 का, अल्लाह अकबर, ठीक है, क्या बात है भाई। तो मुल्तान मंडी हम गए हुए थे ना, हाँ, व्यापारी पागल हो गए थे। अच्छा, ये लड़ रहे थे आते थे भाई। अच्छा, किस बात पे? रेट जो मैं लगा रहा था। अच्छा, ये हमने ये भी 84 का लिया हुआ है, ये भी 84 का, माशाल्लाह, 84 माशाल्लाह। साथ लिए थे, हाँ। ये हमारे एक और दोस्त है, उवेश भाई, ये उनकी कुर्बानी का है। साथ गए थे, मैंने पहले बोल दिया था भाई किसी की नहीं लेनी, जिसने लेना साथ चल रहे। ये बछड़ा 1-15 का लिया है, 1,15,000। ये तो मुझे पहले बता था, मैंने मुल्तान से लिए, तो मैं इंट्रो में लोगों को बताता आज की वीडियो में जो है ना, वो उनको कराची और मुल्तान के रेट्स का फर्क, हाँ, पता चलने वाला है कि भाई यहाँ की मंडी में तो ये कितना, 1,15,000 का, 1,15,000 का, मतलब अभी कराची मंडी में ये 1.5 लाख का है, कम हो 1.5 लाख में मिल जाए, खुशी खुशी बंदा लेगा लेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जोड़ी आई हुई है,
ये जोड़ी तकरीबन आई है 3.5 की। ये भी वही मुल्तान से? नहीं, ये इन्होंने यहीं कहीं से ली थी, ये हमारे दोस्त है, उन्होंने 3.5 की। मतलब ये वाली हो जाएगी इसमें गालिबन 1.5 की और वो 2 की, कुछ इस तरह ही होगा। इस तरह की कुछ है ये, है ना, 2.5 से कुछ ऊपर की है शायद, 2 से कुछ ऊपर की है ये, और ये कुछ 1.25 की थी शायद। सही 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 सही, ऐसे ही है। ये भी अच्छी जोड़ी है कराची की मंडी के हिसाब से तो, माशाल्लाह अच्छी है, अच्छा सौदा है। सही है। कौन सा? लकी भाई, ये कितने का लिया था? 1,10,000। 1,10,000 का लिया है ये, यहाँ मंडी की मंडी से लिया है। सही है। इनके साथ भी अजीब सीन हो गया था, लेकर आया था ये 60 की मछली। अच्छा, 60 की। अच्छा। अभी दांत देखे तो दांत निकली खीरी खीरी, वो फिर मंडी गई है, ये फिर उन्होंने लिए शायद मलिये से ली थी, पता नहीं कहाँ से लिए उन्होंने ना। तो ये भी की मलिये से, ये भी 1,10,000 की ली है, 1,10,000 की ली, वो वापस करा दी, वो वापस करा दी। सही है। ये बछड़ा 125 का, ये तो बहुत अच्छा है यार। 1,25,000, ये 1,25,000 का है और वो 84 का है। अच्छा, वो 84। अच्छा जी, आप जरा हिसाब लगाएं, ये मुल्तान से 84 का आया है और वो जो है वो 1,25,000 का है कराची से, तो वो ये समझ ले कि यहाँ पहुँचते मोड़ते तकरीबन 1,30,000 का पड़ गया होगा। हाँ, ये हमें तकरीबन 90,000 का पड़ गया पहुँच के। 90,000 का पड़ गया पहुँच। सही है। कोई बहुत पहले की परचेजिंग नहीं है। हाँ, आज से तकरीबन हार्डली 20-25 दिन पहले की परचेजिंग है। सही सही सही। बाकी दो माल आपके देख सामने है, ये माल भाई मतलब लाख से नीचे काफी। ये भी तो दिखाए आपको, ये हमारे दोस्त का शॉप चांद बैल, ये हमें चांद को पता नहीं आता। अच्छा चांद, ये कनकरेज आ रहा है, कनकरेज में। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बछड़ा कल ही रात में ही आया। अच्छा, मारता नहीं है ये? ना ना, बिल्कुल शरीफ, डरता है बछड़ा। अच्छा, पहला बछड़ा कंकरी फेंक रहा है तो डरता है। वाह यार, कितने का है ये लिया है? शायद 1,15,000 का गालिब है। हाँ, 1,15,000। ये यही नॉर्दर्न से ये लिया है, लांडी से है शायद, लांडी में, आर्मी लैंड से। ये एग्जैक्टली आईडिया नहीं मुझे, लेकिन भाई सही लिया कराची से ही है, कराची का है। सही है। 1,15,000। चलो आगे चले, आगे देखें। अब एक बछड़ा खूबसूरत खड़ा हुआ है, वो देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हसीन बछड़ा है ये तो, अलग ही सेटअप इसका। दांतों पलवाया में पलवाया है ये। अच्छा अच्छा, ये क्या है दांतों में? हसान भाई का इंटरव्यू करा। हसान भाई, कितने दांतों में बछड़ा? ये मुजम्मिल में हमने 2 दांत पे लिया था, ये अभी 4th दांत इसने किया है। अच्छा, 4th किया है। कितना टाइम पला है ये? ये मेरे पास आया था मुजम्मिल भाई, आप समझे अगस्त के एंड में, लास्ट ईयर अगस्त के एंड में, पिछले साल, यानी पूरा साल भर की पलाई हुई है। साल भर। तो क्या क्या इसकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग क्या है, क्या इसकी कितने का पड़ गया ये? मुजम्मिल भाई, ये तकरीबन हमने परचेज किया था 330 का, उसके बाद फिर पलाई तो आपको पता है, फिर वो सही इस तरह चलती है। सही है, पूरा साल की फिर पलाई है। अच्छा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चा है। हाँ, मोजा प्रिंट है, अबलक है और साफ साफ रंग का है माशाल्लाह, और स्पॉटलेस है, स्पॉट कोड वगैरह नहीं है, गुलाबी नाक है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अच्छा पला हुआ बच्चा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। हारून रॉयल सिटी का जो है ना, आपको शौक दिखा दिया यहाँ के शौकीनों का सबका, उनमें से हमारे मिनाज भाई भी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए लाइक एंड शेयर करें, मजीद इंशाल्लाह देखते हैं किस इलाके में जाते हैं और जहाँ की जो है ना आपको कवरेज देते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।